दोस्तों, क्या आपका बच्चा मन से चंचल है? क्या आपका बच्चा पढ़ाई फोकस नहीं कर पाता? ADHD यानी हाइपर एक्टिव बच्चों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। आप बच्चे की पढ़ाई के बारे में कॉन्शियस है तो ये वीडियो अंत तक पूरा देखें। हेलो दोस्तों, मैं बाल रोग तज्ञ डॉक्टर हर्षद कामदार अहमदाबाद गुजरात में अपना प्रैक्टिस 42 साल से चला रहा हूँ। हमारे में से 90% लोगों का मन बंदर के मन की तरह ही होता है, बाकी 9 से 10% लोगों का मन ही फोकस हो सकता है। बच्चे का मन बंदर की तरह एक जगह से दूसरी जगह कूदता रहता है, एक ही विषय को कंसंट्रेट नहीं कर पाता, दूसरे विचारों में कॉन्फ्यूज्ड रहता है। बच्चा बाहर से शांत और डिसिप्लिनाइज लगे, लेकिन अंदर उसका मन बंदर की तरह इधर उधर कूदा कूद करता ही रहता है। बच्चा क्लास में टीचर का लेक्चर सुन रहा है, लेकिन उसका मन सोचता रहता है शाम को क्या खेलेंगे, कौन सी कॉमेडी सीरियल देखेंगे, सुबह में ये दोस्त के साथ मजा आ गया था। इस तरह बच्चे का मन पास्ट और भविष्य सोचता ही रहता है। इसमें उसका लेक्चर के विषय पर कंसंट्रेशन होता ही नहीं। फिर पीरियड पूरा होने पर छात्र सोचता है, मुझे याद क्यों कुछ नहीं है, कैसे रहेगा याद ये बंदर या माइंड में। बच्चे का ये बंदर मन कैसे बदलेंगे? पहले उसे सिखाओ मन को शांत रखने के लिए प्रेजेंट में ही रहे, ज़्यादा विचार पास्ट और फ्यूचर्स का न करे। इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। इसके लिए बच्चे के इनपुट डेटा यानी 5 सेंसेस के प्रेजेंट में लाने को सिखाए। इसके लिए स्टूडेंट को सब्जेक्ट में रस यानी कि इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और उसको डिटैचमेंट फ्रॉम टेम्पररी प्लेजेंट यानी तत्काल जो आनंद देने वाली चीज़ें है उससे मन को डाइवर्ट करना सिखाए। अपनी 5 सेंस जिससे हम ज्ञान पाते हैं, इनपुट डेटा है आंखें, कान, जबान, चमड़ी और नाक में से हम 5 इनपुट डेटा अंदर लेते हैं, उसको कंसंट्रेट करना सिखाए। दूसरा है बड़े बच्चे को योगा और मेडिटेशन का अभ्यास कराए। बड़े स्टूडेंट इसका अभ्यास करके मन को फोकस कर सकते हैं। शुरुआत में आते पास्ट और फ्यूचर की चिंता को निकल जाने दें, बाद में ही मन फोकस होता जाएगा। बाद में ACT यानी एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरापी का उसको नॉलेज दे। बच्चे को मोबाइल, मीडिया, आईपैड, वीडियो गेम्स और कॉमेडी के बदले अच्छी किताबें पढ़ने के लिए दे। अच्छी अच्छी कहानियाँ, बड़े पुरुषों के जीवन चरित्र आदि को पढ़ के बच्चे का माइंड धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा। जो भी क्लास में पढ़ाया है घर आके वही लेसन फिर से पढ़े, इसे रिवीजन कहते हैं। माइंड में ये बात तुरंत फोकस हो जाएगी और वो विषय में उसका रस धीमे धीमे बढ़ता जाएगा। बच्चे को मन में घुमराते अच्छे बुरे विचारों को किसी के साथ शेयर करना सिखाए, इससे दबाव कम हो जाएगा। वही विचारों को लिख के या विचारों को मोबाइल में टाइप करके डिलीट करे या लिखा हुआ पेज को फाड़ दे। बच्चे को दूसरे को मदद करने का या खुद के पैशन को आगे बढ़ाने प्रोत्साहित करें, इससे इसका बंदर मन फोकस होता जाएगा। चित्रकाम, म्यूजिक, गेम्स आदि में समय बिताने के बाद पढ़ने बैठे तभी उसका माइंड कंसंट्रेट होके पढ़ाई करेगा।
ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव चाइल्ड को प्ले थेरापी, वोकेशनल थेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी, स्पीच थेरापी वगैरह एक्सपर्ट के साथ बैठकर सिखाने से उसका मन धीरे धीरे फोकस होता जाएगा। बाल रोग तज्ञ इसकी तपास करके इसकी सारवार करेंगे। अब तो नई नई अनेक दवाएं भी इसके लिए उपलब्ध हो गई है। आप लोगों ने आमिर खान की तारे जमीन पर पिक्चर देखी ही होगी, उसमें जो बच्चा दिखाया गया है वो हाइपर एक्टिव चाइल्ड था। उसका बंदर मन कहीं भी कंसंट्रेट नहीं कर सकता था, लेकिन इसके टीचर आमिर खान ने उसको देख के तपास करके प्ले थेरापी यानी कि चित्रकाम के शौक को आगे बढ़ाया और उसमें इसका माइंड इतना कंसंट्रेट हो गया कि वो पूरी स्कूल में नंबर वन होके आगे बढ़ गया और धीरे धीरे इसका माइंड फोकस होता गया। दोस्तों, इस तरह आप भी आपके बच्चे को माइंड के फोकस करने की विविध युक्तियां जो मैंने बताई है इसके मुताबिक काम करोगे तो जरूर से आपका बच्चा फोकस करके पढ़ने में आगे बढ़ जाएगा। इसमें शंका की कोई बात ही नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इसको लाइक करना ना भूलें।